عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ريا خشنودي قلبي مقدس أم الحسين فاطمة الزهراء صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يوم الجمعة حضور قلب کے ساتھ اپنے زمانے کے زندہ مہربان حاضر ناظر امام کے لیے دعا کریں. یا رب الشہداء اشف صدر الشہداء صدور الشہداء بظہور الحجہ یا رب المؤمنین یا رب المؤمنات اشفی صدور المؤمنات بظہور الحجہ. قبولیت دعا کے لیے صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم صلوات. پروردگار عالم نے نہ جانے ہم پر اتنا بڑا کرم اتنا عظیم لطف اس یوم کو دے کر جمعہ جیسی برکتوں کو ہمارے سامنے بچھا کر اور اس دن کو ہم سے منسوب کر کے نہ جانے ہم پر کتنا بڑا فضل کرم کر دیا. اہل دل کے لیے اہل معنی کے لیے اہل حاجت حقیقی کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت عمل ہے. وہ عمل صلاۃ ہے نماز ہے دو رکعت ہے لیکن اتنی اہم ہے یہ نماز کہ اس پر انٹیٹی ہمارا اصل و حسب و نسب سب اس حسین نور زینبی سے ہے. تو آپ جیسے اہل درد و دل اور معنی اور ایمان اور صاحب عزا کے دلوں کو کیوں دختر علی تسخیر نہ کر سکے گی؟ یقیناً بی بی ایک ایک دل کو جانتی ہیں. روایات میں یوم جمعہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, ایک ایک کا نام لیا جاتا ہے, ہر عمل کا ثواب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے.
खुदा ना खास्ता गुनाह कभी और ज़्यादा उसकी कबाहत बढ़ जाती है। अस्तखीरो, मुझे उस खैर तक पहुंचना है। कल हमने पहला कदम खैर का बताया, मुझे यकीन है हम सब इस मेहनत पर, इस सफ़रे हुस्नो जमाले ज़ैनबी पर गामजन है, हम चल पड़े हैं। यही तो करम है इस महीने में जो ज़ैनब कुबरा हम पर करती है, वरना आम दिनों में हम खड़े रहते हैं, हम पीछे चले जाते हैं या वहीं वहीं स्टक हैं, स्टिल हैं, हम में हरकत नहीं है। वो पानी जो खड़ा हुआ हो, जितना भी ज़्यादा हो, आहिस्ता आहिस्ता उससे बदबू आने लग जाती है, लेकिन अगर कम मकदार में भी पानी पानी हो लेकिन उसमें हरकत हो, मुसलसल वो अगर चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, तरोताज़ा तरावत खुशबू वो हयात देता है, वो शफा देता है। अल्लाह ने हमें चलने के लिए, हरकत के लिए, हमारी रूह के सफ़र को इतना हसीन बनाया है। अगर हम हरकत ना करें तो हमसे बदबू आनी शुरू हो जाती है, वहीं पे खड़े रहते हैं। तो उम्मे अखवई, ये लकब है ज़ैनब कुबरा का, कम लोग जानते हैं कि आप मादर हैं, ज़ैन हैं। अखवई जब कहते हैं तो हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस तरह आपकी माँ मादर हैं अपने पिदर के लिए, या उम है आब के लिए, दुख्तर फातिमा उम की हैसियत रखती हैं। असल उम यानी वो जड़, वो रुकन, वो पिलर। देखें तो हम गौर ही नहीं करते कि इस्लाम ने औरत को कहाँ किस बुलंदियों पर जाकर खड़ा किया है। मेरे बाबा हमें कहते थे हमेशा कि मामा आप किचन के लिए नहीं बनी, इसका मतलब ये नहीं आप किचन में ना जाएं, ठीक है। बेहतरीन औरत वो भी है जो खुशबूदार है ज़बान से, किरदार से, और बेहतरीन खाने बनाती है, लेकिन ये जो इतना टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, यू आर नॉट फॉर जस्ट फॉर किचन। ये मुझे बचपन से बात याद है, मैं बेअमल हूँ लेकिन बाबा माशाल्लाह मुफस्सिर कुरान है, मुहसिन मिल्लत है। वो बचपन से हमें कहते आए, मामा आप किचन के लिए नहीं बनी, आप सिर्फ घर के काम के लिए नहीं बनी, आपने इश्क ज़हरा और ज़ैनब में क़ुर्बतन इलल्लाह अपने कमाल के लिए करना है, अपने लिए, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। ना कि है मैंने इतनी खिदमत की इसकी उसकी, सारे आमाल खुद ही हम बर्बाद वीरान कर देते हैं। ये है ना ज़ैनबी माइंडसेट, यहाँ सब कुछ ठीक हो जाए तो शफा ही शफा है। खुदा की कसम इतना जमाल है इस टेम्प्रेरी दुनिया में, अगर हम इन हैबिट्स को अडॉप्ट करें जिसके लिए करबला जैसा अजीम दरसगाह और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट हमारे लिए इस्टेब्लिश की गई, बनाई गई कि हम जाग जाएं, हम उठ जाएं। अस्तखीरो बिल्ला खैरतन फी आफिया। जो चाहते हैं एग्जैक्टली इसको देख लें, आप सोशल मीडिया पर हकीर का नाम लिख दें तो आपको हर जगह मिल जाएगा इंशाल्लाह। स्पेशली आई थिंक इंस्टाग्राम पे आप डाल देंगे, सही, सुकैना जान यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, और जिसको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप ले सकती हैं। आप भी मुअल्लिमा कुरान की बेटी हैं माशाल्लाह, हुमा कमानी साहिबा, बहुत से लोग शागिर्द थे इनकी मदर के, और बहुत ही अहले माना अहले इल्म। परवरदिगार आलम आप सबकी कोशिशों को अपनी बारगाह में बतौर अहसन कबूल फरमाएँ। सलवात भेजिए।
यौमुल जुमा में मैं अपनी बच्चियों को सिर्फ एक आसान सा अमल बताती जाऊं, और ये मुझे इस्लाम ने सिखाया है कि ईजी पीजी बेबी स्टेप्स, आसान आसान बातें ज़रूर करो। अगर आप डिटेल में उस खूबसूरत अहादीस की दुनिया में इंडल्ज हो जाएं, गर्क हो जाएं, गोता लगाएं, उस हदीस की दुनिया में ज़िंदगी गुजारें, तो आपको नज़र आएगा हमारे आइम्मा इतने प्यार और मोहब्बत से कहते हैं कि ये दीन मुश्किल नहीं है, इधर आओ इधर आओ, इतने प्यार से बुलाते हैं भाई, बहुत प्यार से। और यूं कह दिया, ये कि हदीस है, ये याद करें आप सब, कि अफ़वलुल आमली मा कल्ला व सहुल, बेहतरीन अमल वो है जो कलील यानी कम, सहुल यानी सहल आसान। हमारे कल्चर में तो हम कहेंगे जो जितना मुश्किल हो वो उतना ज़्यादा अफजल है ना, हमें तो बार बार यही समझाया गया है। एक एंगल से है उसमें चैलेंज ज़्यादा है, आपको सवाब ज़्यादा मिलता है डिफरेंट एंगल से, लेकिन एक एंगल से आसान काम और टाइम भी कम कंज्यूम कर रहा है लेकिन आपको बूस्ट कर रहा है। जैसे कभी एक छोटी सी चीज़ से ये आपके आई डोंट नो इंजन में कोई प्रॉब्लम है, कोई छोटा सा टच कर देता है और इतना बड़ा मसला हल हो जाता है। ज़रूरी नहीं आप कोई बहुत ही बड़ा ऑपरेशन करें, नहीं, छोटी सी चीज़ से बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। अफ़ज़लुल आमली मा क़ल्ला व सहुल, ये बार बार हमें बताया गया है। तो एक छोटा सा अमल जो कि बहुत प्यारा सा है और अमवात के लिए आलम बरज़ख में जहाँ हमने मुलहक होना है, हमारे दोस्त हमारे रिश्तेदार जो वहाँ जा चुके हैं उनके लिए जो बेस्ट ऑफ बेस्ट गिफ्ट है वो क्या है, वो एक ऐसा अमल है कि पढ़ने में बड़ा आसान, आप लोग पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन उसको नूर के तबक में ऐसे सजा कर फरिश्ते हमारे अमवात को हदिया करते हैं कि वहाँ पर जश्न और ख़ुशी मनाई जाती है उसकी खुशबू की ताकत से, वो है सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आयतुल्लाह बहाउद्दीनी कहते हैं कि सलवात कोई कुरान की तिलावत से कमतर नहीं है। क्यों? क्योंकि नंबर वन ये अल्लाह का ख़ुद हुक्म है, ये कुरान की आयत पर अमल है। नंबर टू ये दुआ भी है, तवस्सुल भी है, दुआए दाइबी भी है, इसमें तौहीद भी है अल्लाहुम्मा, नबुवत भी है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, विलायत इमामत भी है नहीं, और फिर यकीनन जब हम नबी को कहाँ भेज रहे हैं, उस कयामत गैब पर हमारा ईमान है, इसमें कयामत भी है। तमाम उसूल दीन इलाही को यकजा जमा कर दे तो वो नगमे सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बनता है। इसलिए हमारे नबी सैयदुल रसूल हैं और आप सैयदुल औसिया से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि या अली अला उखबिरुकुम बिशैइन तुअज्जिबुनी, या अली मैं तुझे एक ऐसी चीज़ की खबर दूं जिसको सुन के तू हैरान हो जाए। मजहरुल अजाइब को जो खबर हैरान कर दे वो क्या है? मौला अली ने फरमाया बला या रसूल अल्लाह, आप फरमाए मैं सर तपा सुनने के लिए तैयार हूँ, हमें सुनाना चाह रहे हैं। मदीनतुल इल्म बाबुल इल्म से मुखातिब है और यूं फरमा रहा है कि जब एक मोमिन एक मर्तबा पूरे वजूद के साथ इस हसीन चैनल को जिसको रब ने चुना, वही हमारी ज़िंदगी और हयात है, उनके हुजूर को एहसास करते हुए उन पर जब दुरूद और सलवात भेजता है
तो फरिश्ते झूम झूम कर सफ़े इतनी ज़्यादा कि उनकी तादाद नहीं बताए, कितनी सफ़ों में मुख्तलिफ सुफूफ़ मलाइका और हर मलक सबईना मर्रा आप पर सलवात। और फिर मेरे नबी ने फरमाया कि ताज्जुब की बात यह है या अली, हम और आप तो सुन लेते हैं ना, वहाँ तो पर्दे हटे हुए हैं, तमाम हुजूर मलाइका मलको इंसो जिन्नो बशर सबको देख रहे हैं कि एक सलवात के बदले में क्या इनकलाब बरगुजार हो जाता है। कहा या अली, एक फर्द जब एक मर्तबा दुरूद भेजता है तो रब जुल जलाल अज़्ज़ा व जल्ला उस पर 70,000 मर्तबा सलवात और दुरूद भेज देता है। जस्ट ब्यूटिफुल, जस्ट ब्यूटिफुल। हमने नबी को नहीं देखा, सिर्फ नाम सुना है, लेकिन नाम में ही इतना जमाल है कि झूम झूम कर हम कितना याद करते अपने नबी को, बार बार दुआ करते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसलिए कहा है जैसे घर में दाखिल हो सलाम करो। क्यों सलाम करो? ताकि मूड अच्छा हो जाए। घर में आते ही थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है सबके साथ, स्माइल घर आते ही गुस्सा शक्ल ही बदल जाती है, ठीक है। तो वो कल नार्सिसिज्म के बारे में बताया ना, नार्सिस्टिक हमने नहीं बनना, कि जो लोगों के लिए तो बड़े अच्छे लोग कहते हैं वाह हाउ लकी यू आर, लुक एट योर डैड और आई डोंट नो इवन ब्रदर, यू नो कोई भी टीचर, लेकिन घर में आते हैं तो कड़वे हो जाते हैं कभी कभी। तो उस करवाहट को निकालने के लिए हमें कहा है घर में दाखिल होते ही कहो अस्सलामु अलैना। मैं अब फीस बन जाऊंगी, मैं यहाँ पर अपनी ज़बान को बिला मकसद नहीं खोलूंगी, ज़ेब ज़ेब। और फिर हदीस में सलवात भेजो ताकि जमाल मुस्तफ़वी मुसलसल तेरे सामने रहे। और मेरे नबी का एक लकब है बस्साम, बस्साम तबस्सुम करने वाला नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मुसलसल लोगों के सामने अपनी खुशी को जाहिर करने वाला, अपना गम अपने दिल में रखने वाला। परवरदिगार आलम हमारे दिलों में इतनी ज़र्फियत दे कि हम अपने गमों को, अपने दर्द को, अपने एतराज़ात को, अपने शिकवों को लोगों और घर वालों के सामने बयान न करें, बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जो मुनाजात शाकीन हैं उसका सदका हम रब ज़ुल जलाल के सामने सिर्फ शिकवा और दर्द दिल कर सके। बार इलाहा बहक कल्बे वसअते वसीअ ज़ैनब कुबरा, हम सब के दिलों में वसअत और शरह सदर इनायत फरमा। सलवात भेजो अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी छोटी सी हकीर सी मेहनत में मसरूफ़ हैं क़ुर्ब ज़ैनबी के लिए, और जब हमने अपने अज़ाए बदन को इस हसीन इंटेंशन और नियत के साथ कंट्रोल में रखने की कोशिश की तो दूसरे अज़ा जो बातनी अज़ा हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। हदीस में है हमारी शियों की दो आंखें नहीं हैं, नहीं नहीं नहीं, शिया और गैर शिया, आज़ादार और गैर आज़ादार में फ़र्क ये है कि आम लोग दो आंखों के साथ जी रहे हैं, हैवानी
जिस्मानी, मादी, दुनियावी, इस छोटे से प्लैनेट को देख रहे हैं, दैट्स इट, बस। लेकिन लेकिन आशिकान जिनकी जिंदगी का हदफ और मकसद जीनते अमीर मुमिनीन बनना है, शिया अली है, वो चार आंखों के साथ जीते हैं, वो बसारत नहीं बसीरत से माला माल हैं। और उस बसीरत को जब इंसान हासिल करने लगता है तो एकदम से बेदार हो जाता है। पहला स्टेप समत, समत बहुत बड़ी इबादत। समत हमें इस मंजिल तक ले आता है कि हम यकाज़ा के मैदान में आ जाते हैं। यकाज़ा, ये काफ तोए जुए वाला ज़े और आखिर में जो गोलता होते, यकाज़ा। ये जो अहादीस में जो अल्फाज बार बार इस्तेमाल होते हैं और क़ुरान में, ये कीमती अल्फाज होते हैं, इन्हें ज़रा पूरे वजूद के साथ सीखें। एक लफ्ज़ जब इजाफा होता है तो बहुत से दरवाज़े खुलने लगते हैं। क़ुरान का एक एक हर्फ माना रखता है, लफ्ज़ तो दूर की बात, या ख़ुद एक माना रखता है। काफ अपना वाद अपना यकज़ा कहते हैं, अवेकनिंग बेदारी, जाग जाना, वो खामोशी जो मसलहत के साथ है, वो हमें इस बसीरत इस फुरकान की मंजिल तक लेकर आ जाती है और हम जाग के ज़िंदगी गुजारते हैं। ये जागना दूसरा मरहला है और हमने अपने आप को चेक करना है कि मकतब ज़ैनबी ने हमें कैसे जगाया, इस जागने की साइंस इंडिकेटर्स निशानियां क्या हैं। मैं जागी हूँ, अगर जागी हूँ तो जागा हुआ कुछ और होता है, सोया हुआ कुछ और होता है। जो सो रहा है आहिस्ता से जाकर आप उसकी किसी चीज़ पर हाथ लगा सकते हो, कब्ज़ा कर सकते हो, सो रहा है, गाफिल है, यू नो, यू कैन जस्ट, यू नो, चोरी कर लो, क्या है उसको तो पता ही नहीं है। और ईमान के चोर कोई कम है? वो सब देख रहे हैं हम कब सो रहे हैं, फौरन आकर चोरी कर ले। लहुम लहुम कुलूबुल्ला यफ़क़हून बिहा, सबको याद है सूरह आराफ की आयत। लेकिन नमाज के बाद कभी रोते हुए ज़रूर पढ़ें। और जब भी मैं तिलावत कर रही होती हूँ इन आयात को तो मैं सोचती हूँ मेरी सैयदा, मेरी शरीके हुसैन, तालीय क़ुरान किस तरह से इन आयात को पढ़ती होंगी, हमें देखकर पढ़ती होंगी ना, कि मुझ जैसी कनीज जो कल्ब रखती है, क़ुलूबुल ला यफ़क़हून, आयुनुल ला युबसिरून, आज़ानुल ला यस्मऊन, उलाइका कल अनआम, लो लो नो नो, बल हुम अज़ल, उलाइका हुमुल गाफिलून। पता है गफलत नेग्लिजेंस से बड़ा पर्दा, हिजाब, रुकावट, ऑब्स्टिकल, माने डैमेज करने वाला कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज द एज ऑफ, यू नो, हम बिल्कुल ही क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन, हर कोई डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो रहा है, फोकस होना मुश्किल है ना। ये एज, ये ज़माना, ये आस्र, ये दौर है ही डिस्ट्रैक्शन का। एक जगह है जो बहुत ख़तरनाक है, जहाँ बहुत चोरियाँ होती हैं, बहुत मर्डर्स होते हैं। वो जब आप कभी गूगल करते हो ना, मैं अपने बेटों के साथ कभी ऐसी चीज़ें देख रही होती हूँ कि दुनिया के सबसे डेंजरस रोड कौन से, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक रोड आता है जिसमें मर्डर्स बहुत होते हैं और वहाँ वो बिल्कुल खाली खाली है, कोई वहाँ जाना पसंद नहीं करता, वहाँ इस ज़माने में भी चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या हर कोई पसंद करेगा वहाँ जाना? नहीं। जहाँ मुसलसल चोरी हो रही हो, ख़तरा ही ख़तरा हो, हम वहाँ जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। पता है वो क्या है? वो हमारा स्क्रीन टाइम, नहीं है? इतने मज़े से बग़ैर सोचे समझे प्लानिंग के, ना कोई वेपन है, ना कोई असलहा है, ना कोई ज़रा है, ना कोई डिफेंडर है, नथिंग, लेट्स गो, चले गए। कहते क्या है, 10 मिनट के लिए, ज़रा ज़रा फलानी को जवाब देने के लिए जा रही हूँ, वो 10 मिनट, वो 5 मिनट,
यू नो 20, 30, 40, मैंने कहा ना चाइनीज बहुत स्मार्ट है, सस्ती सस्ती चीज़ें अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज बनाते हैं ताकि आपसे थोड़ा थोड़ा चोरी करें, आपसे 100 रुपये 200 रुपये यू नो यहाँ वालों से, वहाँ वालों से 1000 1000, वहाँ वालों से 2 2000, सबसे मांगेंगे बहुत चला आगे। ये शैतान भी ऐसे ही करता है, थोड़ा थोड़ा दे दो, 1-5 मिनट दे दो, 1-10 मिनट दे दो, हम सबसे ले रहा है। चोर सारिकीन भरे पड़े हैं, गफलत सबसे बड़ा दुश्मन। और यकज़ा हदीस में है, अल यकज़ा नूरुन, यकज़ा नूर है। और यकज़ा मौइज़ा नसीहत एडवाइजेस ऐसी महफिलों से हासिल होता है। बाकायदा अहादीस ने बार बार कहा है जो हफ्ते में कम अज़ कम एक मरतबा यकज़ा के लिए मौइज़ा, यानी कोई अपना प्राइवेट उसका हम जैसे ट्रेनर ना हो, कोई उसका उस्ताद रूहानी ना हो, कुछ सुने ना जिसके ज़रिए उसकी आंखों में अश्क आए, तो वो इतना उससे आहिस्ता आहिस्ता बू आने लगती। जो हफ्ते में एक दफ़ा ना नहाए तो बू आती है ना, ठीक है, वो भी जहाँ बहुत स्वेट हो, यहाँ पर इतने गुनाह ज़्यादा है और हम नहाए ना मिनिमम वंस अ वीक तो नहाए। जो बहुत गंदे होते हैं वो कहते हैं हम जुम्मा बे जुम्मा नहाते हैं, ठीक है, तो हम कहें चले हम जुम्मा बे जुम्मा अपने आप को पाक करते हैं, ना कि यू नो मुहर्रम टू मुहर्रम और रमज़ान टू रमज़ान और डस्ट से भरे हुए होते हैं और फिर हम जब तक क्लीनिंग के मरहले तक पहुँचते इतने में एंड हो जाता है। इंशाल्लाह में से कोई भी ऐसा नहीं है, वो ज़माना गुजर चुका, अब यकज़ा का ज़माना है, अब हम बेदार होना चाह रहे हैं। और बेदारी के लिए सबसे पहला सवाल ये है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, यह आपने बार बार अपने आप से पूछना है, मैं कौन हूँ और मैंने कहाँ जाना है, तो ख़ुद ब खुद मैं कहाँ हूँ या समझ में आ जाता है, ये गैप जो है वो हल हो जाता है, मैं कौन हूँ और मेरा डिस निकाले जिस जेल में हमने रखा हुआ है, वीरान है, आबाद नहीं है। खरबन, हेनरी खरबन जिनसे हम बहुत करीब हैं क्योंकि वो तेहरान बहुत ज़्यादा आते थे, जो फ्रेंच प्रोफेसर है, आप ज़रूर हेनरी खरबन सर्च करें, ये बच्चियों ने ज़रूर करना है, मामा बाबा को बताना है। या ये जो जर्मन कैथोलिक लेडी है मैरी शमेल, इनको भी सर्च करें, सब आपके सामने आएगा। फिर गैरत हमारे अंदर बेदार हो जाए, शर्म आए, जाग जाए हम लोग, मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उन्हें सहीफ़ सज्जादिया इतना अट्रैक्ट कर रहे और मैं क्यों इतनी दूर हूँ। और जब उसने वो किताब उस खातून को गिफ्ट में दी तो उस खातून ने पता है क्या कहा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मुझे सारी बाइबल की दुआएं हिफ्ज हाफिजा थी वो, मैं सबको दुआएं पढ़ाती थी, अरे वो बेहतरीन जाकिरा थी अपनी ईसाइयत में, अब मैंने वो सब छोड़ दिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं को, उसकी कब्र पे ये हदीस है, अन्नासु नियामुन फ़ाइदन इज़ा मातू इंतबहु, सुनाएंगे आप सब मिलकर, अन्नासु नियामुन नौम से है, लासिनतुन वला नौम, ये लासिनतुन वला नौम, बच्चों के लिए भी कह रही हूँ, नौम नियाम यानी लोग सो रहे हैं, कुछ लोग सो रहे हैं, कब जागते, फ़ाइदा मातू मौत से, अन्नासो नियामुन, सब मिलके पढ़े, अन्नासो नियामुन फ़ाइदा मातू इंतबहू, इंतबह यानी वही यकज़ा, फिर वो जागते हैं, फिर पर्दे हटते हैं। और ज़ैनबी किरदार में ये लिखा हुआ है कि मेरी सैयदा ने हमें बार बार कहा कि वो मौत यानी पर्दे का हटना जो मजबूरन हो, हमारे हाथ में ना हो, ज़बरदस्ती हो, वो कनीज़ ज़ैनबी को ज़ेब नहीं देता,
जमाल ज़ैनबी से मुज़य्यन कनीज वो है जो इरादे मौत, मौत इरादी की मंजिल तक पहुंच जाती है और खुद से उन पर्दों को चाक कर देती है। अक्सर लोग ख्वाब में हैं, गफलत में हैं, सिर्फ मौत उन्हें जगाती है। हमें नहजुल बलाघा ने, सैफ़ सज्जादिया ने हमेशा जगाया है, मजालिस हुसैनी ने हमेशा जगाया है, बस हमने जाग गए। अगर हम तो जागने का जो मैंने आपको बताया एक इंडिकेटर साइन वो ये है, नंबर वन इल्म, या इल्म नॉलेज। कहते हैं आखिर ज़मान में जब जहूर का वक्त आएगा और हम सब इंशाअल्लाह अपनी आँखों से जमाल यूसुफ़ ज़हरा इमाम आस अलैहिस्सलाम को देखेंगे, उस जिस तरह कुरान में जन्नत की सैर करवाई गई है ना, हमें सैर करवाते हैं कि जन्नत में आप ये पियोगे, ऐसे खाओगे, बैंगल्स ऐसे होंगे और आपके बर्तनों का भी ज़िक्र है इस तरह से होंगे, आपके इर्द गिर्द खादिम किस तरह से तवाफ़ कर रहे होंगे, आप एक ही फल को खाओगे, उस एक ही फल में इतने मज़े होंगे और हर बाइट दूसरे बाइट से अलग होगी, कुछ भी रिपीट नहीं होगा, हर निगाह दूसरे निगाह से अलग, अनलिमिटेड दुनिया। और फिर हम इस दुनिया को देख के कहेंगे अरे हम इतनी बोरिंग दुनिया में रहते थे, है ना, इतनी बोरिंग है ये दुनिया, इतनी लिमिटेड है ये दुनिया। और फिर वो दुनिया जिसकी एक एक चीज़ को उसकी सैर बाकायदा में कुरान ने कराई है, इसी तरह अहादीस ने असर जहूर, असर यानी एज या टाइम, असर जहूर की हमें सैर करवाई है, हमें बताया है कि उस असर के लिए दिलो जान से इंतज़ार करो, तैयारी करो। कौन सा एज, कौन सा टाइम, कौन सा एरा? वो एरा जिसमें बहुत ही जमाल होगा, इतना प्यारा होगा। नंबर वन, सदर सीना सबका वसी, कीना ख़त्म, या सीना कीने से दूर, सदर। और लेन देन डीलिंग किससे होगी? सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद से। वो असर जहूर, जहूर जमाल कमाल, जहूर इल्म, उसमें इतनी अपनाइत और मोहब्बत ज़्यादा होगी कि हम एक दूसरे के पर्स में, जेब में, पॉकेट्स में आराम से हाथ लगाएंगे। क्यों हाथ ना लगाएं? इसलिए कि कोई भी सदका लेने वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोग इतने शायद एक्स्ट्रा फिल्दी रिच ना हो, मेंटली रिच होंगे, ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, कनाअत आ जाएगी, यू नो, अपने सारे वक्त को, ताकत को चीज़ों और आइटम्स जमा करने और देखने में ज़ाया नहीं करेंगे, समझ आ जाएगी, अक्ल आ जाएगी, इल्म आएगा, हिकमत आएगी, बसीरत आएगी, तो कोई सदका ही नहीं लेगा। पहाड़ डायमंड के पड़े हुए होंगे और हम इल्तिजा करेंगे कोई आके ले जाए, इसलिए अभी गनीमत जाने, कोई कुछ मांगे तो दे दें, दे दें सदका। सीना सदर बहुत वसी, और डीलिंग सलवात, अखलाक सलवाती होगा, बहुत प्यारा होगा। अब सवाल ये है कि ये कैसे होगा कि हर इंसान, यानी पूरी कायनात में एक परचम, अरे ये जो इतने स्टबन लोग हैं, ये जो इतनी अजीब अजीब नए नए मजहब बन रहे हैं, दीन बन रहे हैं, ये सब एक परचम तले कैसे आएंगे?
सब कैसे इतनी जल्दी प्यार और मोहब्बत से रहेंगे कि जन्नती जैसा माहौल होगा, कि दिलों में कोई कीना हसद नहीं होगा? तो जवाब क्या है कि तमाम बुराइयों की जड़, जुल्मतों की असास क्या है? जहालत और हुब्बुद दुनिया। जमाल हजरत जहरा को देखकर दुनिया की मोहब्बत खत्म। ये दिल इश्क नूर इमाम असर से मुनव्वर, और जो हाथ फेरेंगे इमाम तो इल्म और हिकमत का नूर इस तरह से हमारे वजूद में आ जाएगा कि जब आपको सब नजर आने लगेगा, इल्म है, नूर है, सीना हुब्बे दुनिया की जगह हुब्बे इमाम से मुनव्वर है, तो खुद ब खुद बुराइयों से, कीनों से, हसद से और तमा और लालच से दूर जिंदगी होगी ना। और सबसे बड़ी बात, मुतबर किताब कंजुल अमाल की वॉल्यूम नंबर 14 में लिखा है कि आखिर उस जमान में और असर जहूर में ऐसी ख्वातीन होंगी, क्योंकि जितना ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है, शयातीन के ट्रिक्स भी, हमले भी, उनके वेपन्स भी, जिस तरह वो हमें कैप्चर कर रहे हैं, वो और ज़्यादा मॉडर्न हो रहा है, वो भी चलाक होते जा रहे हैं। सही है, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उनकी भी चलाकियाँ और विक्टिम हमें बनाने के तरीक़े बढ़ते जा रहे हैं। जब शयातीन हमला करेंगे, रिवायत के अल्फाज हैं, क्या है कि कुछ ऐसी ख्वातीन की टीम्स होंगी जगह जगह। ये बार बार मुझे सब कहते हैं, औरतें ना हों तो ना ये रौनक हो आज़ादारी में, यू नो, ना इबादतों में। अक्सर फादर जब बच्चों को नमाज़ पढ़ाते हैं तो यूँ कहते हैं, ये लो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह ख़त्म, जाओ पढ़ ली तुमने। जब माएँ पढ़ाती हैं तो क्या कहती है, बेटा पहले पढ़ो अजान, देन इकामा, देन देस, फिर ये तस्बीह भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, यू नो। हम डिटेल में जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में ना जाएँ नौजवानों के लिए, ठीक है, हम कुछ ज़्यादा ही चले जाते हैं थोड़ा सा तो। लेकिन कमाल इसी में है, माशाल्लाह ख़वातीन मुस्तहबात की तरफ ज़्यादा जाती हैं। एक टीम होगी ख़वातीन की मुख्तलिफ जगहों पर, वो टीम इतनी आगाह, इल्म बसीरत के असलहे से लबरेज़ कि जैसे ही शयातीन हमला करेंगे वो उनको फौरन रोक देंगे। जैसे ही वो हमारे ईमान को कैप्चर करना चाहेंगे, ये ख्वातीन अपने इल्म के वेपन से रोकेंगे। ये कंजुल अमाल ने लिखा है, इल्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप देखिए हमारी उम्मुल उलूम, उम्मुल अइमा के बारे में मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने क्या खूब फरमाया, अंची ये मौला बाबुल इल्म के अल्फाज है, गौर से सुने और ये सुनने के बाद कनेक्ट होना है, रोना है, ठीक है। मैं यहाँ अभी मिंबर से मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं बैठ के रोती जाऊँ और फिर मैं बात ना कर सकूँ, अगर ना मुझसे ये अहादीस तन्हाई में पढ़ी नहीं जाती बग़ैर एहसासात के। ये दीन हमारा एहसासात वाला है। हमारे नबी बाकायदा कुरान की तिलावत करके चेक करते थे कितने लोग रो रहे हैं कितने नहीं, ये बाकायदा चेकिंग होती थी। कैन यू बिलीव इट, यू नो, वी नेवर फॉर इन दैट वे। हम कहते हैं ये क्या बात हुई, हम रोए या न रोए हमारी मर्जी है, बट दैट इज़ द साइन कि ये बात दिल में उतरी है, ठीक है। दिन में कुछ लम्हात रोने के लिए अपनी रूटीन में ज़रूर रखे। आजकल क्लब्स बन रहे हैं ना, रोने के क्लब्स, जहाँ रुलाया जाता है ताकि रोए। आपने बहुत से ऐसे मैंने लेक्चरर्स को देखे जो लेक्चर देते हैं कि कैसे रोना चाहिए, कब रोना चाहिए, रोने क्या है। जैसे पहले हंसने का होता था, हाँ सब मिलके हंसे, हंसी नहीं भी आ रही तो हंसो, क्योंकि हंसना बहुत अच्छा है, हंसो जी, ज़बरदस्ती हंस रहे, आर्टिफिशियल हंस रहे बेचारे, कोशिश करते। इसी तरह आप कह रहे रो रो रो, ये रोना बहुत ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं बाबुल इल्म फरमा रहे हैं, देखिए ये कनेक्ट होना है आपने किस से, हमारी सोल मदर, हमारी सैयदा से, कि या फातिमा अंची आलम बिल्ला व अबर व अतका व अशद खौफम मिन अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ ए फातिमा, आप आलम इल्म के उस आला दर्जे पर हैं जब वो इल्म बिल्ला पे आ जाए, तौहीद पे आ जाए, और अबर बिर से है,
अतका तकवा से है, अकरम करामत से है, और अशद खौफ खौफ से है। पांच सिफात गिनवाई। कौन मौला अली जनाब है? जहरा के बारे में। अब आइए एकनी जान ज़ैनब, एक और इमाम बिनत जहरा के बारे में क्या गवाही दे रहा है कि ए मेरी फूफी अम्मा ज़ैनब आंटी आलमा गैरो मुअल्लमा। ये सिर्फ सुनना नहीं है, सुनते तो हैं लेकिन अंदर नहीं जाता, अंदर ले जाना है। मैं आलम गैर मुअल्लमा की अज़ादार हूँ और पुरसा देने वाली हूँ। कहाँ है मेरी लाइब्रेरी, कहाँ है मेरी बुक्स, है रूटीन क्या है मेरी इल्म की, यू नो वो इल्म जो नूर हो और मेरे लिए और मेरे साथ जाए। आई डोंट हैव एनी रूटीन, यू नो आई डोंट हैव एनी मुअल्लम इन माई लाइफ, तो मैं क्या कर रही हूँ? अंति आलिमत गैर मुअल्लमा फहीमा गैर मुफहमा। इसको रिपीट करना है और घर में कहीं लिख के लगाएं ताकि आपके ये हाथ असल में बने हैं इसीलिए कि इस पे इसको आप उठाएं। अल्लाह ने इसीलिए ये दो हाथ दिए कि आप यूं करके किताब उठाएं। हम अहले किताब हैं, कुरान वाले हैं, हमारा मुअज्जज़ा फहम व अक्ल व इल्म वाला है। हदीस कहती है ना कि मेरे नबी ने फरमाया कि इन्नल्लाहा अता लिकुल नबीयन मुअज्जज़ा व आया। अल्लाह ने हर नबी को एक मुअज्जज़ा दिया है ना, क्या दिया है? मूसा को आसा, आसा जो कि फौरन यू नो मैजिक की तरह है, और हजरत इब्राहिम को बर्दुन्नार कि नार को नूर में बदल दें, हजरत ईसा को कलमात जो मौत को अमवात को अहिया में बदल दे, और फिर झूम कर मेरे नबी फरमाते हैं लेकिन अल्लाह ने मुझे एक मुअज्जज़ा दिया है। वो मुअज्जज़ा क्या है? वो मुअज्जज़ा मेरा अली है, अली कुरान नातिक व अतानी अलियन हाजा अलियन अलियो ताजुन नबुवा व आयतुन नबुवा। वो अली जो मिशन, जो चैलेंज मेरे आका का था, मेरे मौला का था, वो नुज़ूल और तंजील कुरान की तरह बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। नबी अगर कुरान को लाकर बताने के लिए आपने इतनी कुर्बानियाँ दी तो हमारी जान कुर्बान हो मौला अली पर कि आपको उसकी तावील और तफसीर और उसको अच्छी तरह समझाने के लिए आपने सारी ज़िंदगी वक्फ कर दी, वक्फ कर दी। आई डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या कज़ा, जागना है हमने, जागना है। सोचिए मेरी कब्र पे क्या लिखा होगा, मेरे कफन पे क्या लिखा होगा, मुझे कौन गुस्ल देगा। ये कितना अहम है। मैं अय्याम फातिमा में यही सोचती हूँ कि अगर इतना अहम ना होता तो मेरी सैयदा वसीयत ना करती। वसीयत उन्हीं चीज़ों की जाती है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। कौन मुझे गुस्ल दे, दुआ करे हर नमाज के बाद, बार इलाहा एक बामल बामारिफत बा तकवा दिल और हाथ अहकाम और फिक्स लबरेज वजूद, मुझे इस दुनिया से लिका इलाही की तरफ उस अबदी सफ़र के लिए तैयब व ताहिर और पाक करे। कुरान, कुरान आज हमने एक ऐसे सहाबी का ज़िक्र करना है जिनको लक़ब मिला है सैयदुल कुर्रा का, सैयदुल कुर्रा। इतना ज़बरदस्त मुअल्लिम कुरान था। अफसोस हमें से कोई नहीं कहता कि यू नो दिस इज़ मिशन ऑफ माई लाइफ, दिस इज़ ड्रीम ऑफ माई लाइफ दैट आई वांट टू बी अ टीचर ऑफ द कुरान। कोई कहता है ऐसे मज़े से? मैं ही कहता, सुना है आपने? सब फिट या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स या
हम एहसास कमतरी में हैं, हम फख्र से नहीं कहते कि मेरा ड्रीम ये है कि मेरा भी एक पोर्शन हो कुरान को प्रोपगेट करने का। ये है ना वो ज़ैनबी जमाल, ये है ना वो ज़ैनबी कमाल और फिक्र। सैयदुल कुर्रा हैं, रब ने कहा मैं मुअल्लिम हूँ, अर्रहमान अल्लम अल कुरान। सैयदुल कुर्रा का नाम है बुरैर इब्ने खुज़ैर, बड़ा एहतराम था उसका कूफा में। हमारे नबी अगर फ़र्क रखते थे, वैसे तो आप देखते भी सबको बराबर थे, मैं नहायत नाक़िस हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा, मैं अपनी प्यारी प्यारी माओं को नहीं देखती, मेरी आजिज़ी है और मेरी बदअख़लाक़ी है, वरना इस्लाम में वाजिब है कि हम सब को देखें। नबी कभी फ़र्क नहीं रखते थे, लेकिन फ़र्क रखते तो यहाँ आकर कहते थे अच्छा तुम्हारी तिलावत सबसे प्यारी, इधर आओ सबसे पहले मैं तुझे दूँ। फ़र्क रखते थे, सबसे पहले इसको ये तोहफ़ा दिया जाए। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ये कुरान पर अमल करता है, कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ाता है। बुरैर खताबत में भी नामवर मशहूर और अहले यमन का था। शहदाए करबला में अक्सर यमनी है, मैं हर साल शायद बताती हूँ, मैं इसलिए बताती हूँ कि मुझे सौदाए हमदानी याद आती है, फ़ीमेल जो मैंने फैसिनेटिंग जो कंपेनियंस है उन पर भी अशरा पड़ा हुआ है, ज़रका सौदा रमीसा यू नो अस्मा, तो उनमें अक्सर वो भी यमन से है, यमन की ख़वातीन जो यमनी उल असल है और कबीले हमदान है जो यमन में है, जस्ट आउटस्टैंडिंग यू नो, अजीब उनका किरदार है। और अक्सर शहदाए करबला असालतन कबीले हमदान यमन से है। बुरैर भी उनमें से एक है, बुरैर क्योंकि बहुत प्यारा बोलता था। उसके अलावा भी हमारे मौला हुसैन ने सब अपने अस्हाब से कहा जाने से पहले नसीहत करो, उनको जगाने की कोशिश करो। देखे याज़ा तो कल्लिम लिहादल कौम या बुरैर, जाते ही अगर वो हमला करे तो फिर भी तू जवाब ना देना, कहना पहले मेरी बात सुन लो, शायद एक दिल पलट आए। देखे करम है हुसैनी, कभी तारीख इस्लाम में कोई जंग नहीं हुई मगर ये कि न सिर्फ हमने शुरू नहीं किया बल्कि हमने शुरू किया है तो प्यार से मोहब्बत से दावत दी है, अपनी तरफ बुलाया है। बुरैर ने पता है क्या कहा? बुरैर ने कहा ए कौम देखो तो सही यहाँ कौन आया है, देखो हुसैन अपनी बहन के साथ अली की बेटी के साथ कभी ऐसी जगह नहीं आएगा जहाँ उसका मकसद जंग करना हो। जगाया, कुछ लोग जागे भी, या हमें बताया नहीं जाता, तारीख बहुत अलग भी है, हमारा जो मुताला है वो बहुत कलील है। काफ़ी लोग हुर की तरह बेदार हुए, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और कहा देखो ना ये कितना अजीब है कि आज आशूर का दिन है, तीन दिनों से मैं अलअतश की आवाज़ सुन रहा हूँ। ए कौम ये दरिया का पानी इसे यहूदी भी पी रहे, काफिर भी पी रहे, मजूसी भी पी रहे, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो जहरा के लाल को मैं कहूँगी ए बुरैर तू सक्काए करबला न था फिर भी तू तड़प उठा, तू बच्चों की प्यास को बर्दाश्त न कर सका, लेकिन हाय सक्काए करबला अबुल फजल अब्बास, मेरे आका मेरे गाजी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। इसलिए शायर ने क्या खूब कहा कि ये दर्द दिल हजरत अब्बास है, काश इसमें मन अज अव्वल सक्का नबूत या दर इन खून सहरा दरिया नबूत, काश मुझे सक्काए करबला का लकब न मिलता और अगर मिल गया है तो इस खून के सहरा में दरिया न होता। दरिया भी है मैं सक्का भी हूँ, अली असगर तिश्ना भी है, सकीना का कोजा खाली भी है।
اہل عزا بریر نصیحت کرنے کے بعد جب حملہ ہوا تو 30 سے زیادہ یزیدیوں کو واصل جہنم کیا, تو ایک یزیدی نے آواز بلند کی کہ آؤ اے اہل اشکار میری مدد کرو. ایک بزدلانہ حملہ زبریر کے پیٹھ پر ہوا, قاری قرآن کا چہرہ زمین کربلا پر گرا, اور اتنے میں دوسرا یزیدی آیا اور اس نے آ کر پہچان لیا اور کہا یہ بریر تو نے اس کو مارا ہے, یہ میرا استاد تھا قرآن کا, میں کوفے والا ہوں, میں نے بریر سے اللہ کا کلام سیکھا ہے. میں کہوں گی ہائے شہر کوفہ ہے, حسین کی شہادت کے بعد سر حسین نیزے پر ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, لیکن اے اہل کوفہ بریر کو قاری سمجھ کر جو احترام کر رہے ہیں انہوں نے ناطق قرآن کی تلاوت پر پتھراؤ شروع کر دیا. حسین قرآن پڑھ رہے ہیں, سبحان اللہ کے بجائے لوگوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا. اے عزادارو آج یوم جمعہ ہے, امام زمانہ سر پیٹ رہے ہیں, جیسے ہی کربلا کی آمد ہوتی ہے اور تمام اہل حرم کربلا 2 محرم کو پہنچتے ہیں, پتہ ہے آپ کو فرشتے امام حسین کی اس پیراہن کو امام عصر کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا سوراخ ہی سوراخ والا پیراہن خون آلود حسین جس سے تازہ تازہ خون ٹپک رہا ہے. اہل عزا وہ امام حسین کی آنکھوں کے سامنے امام کا دل غم سے پھٹتا ہے, تو ہم امام کے چاہنے والے محرم کے آتے ہی مغموم ہو جاتے ہیں. السلام علیک یا صاحب عزا یا امام زمانہ جرک اللہ. الا لعنة الله على القوم الظالمين. بار الہ ان شکستہ دلوں, ان اشک وفا, ان ماتمیوں, ان زینبیوں کا واسطہ, اس مجلس کا واسطہ, اس شاہ شہیدان جیسی بارگاہ امامت کا واسطہ, پروردگارا خداوندہ امام عصر کو اس نے ظہور عنایت فرما, امام کے مغبوم دل کو ہمارے نیک اعمال سے خوشحال فرما. پروردگارا ہمارا ذکر, ہمارا نام امام کی دعاؤں میں شامل فرما. یا رب ہماری اولاد, ہماری نسلوں کو قیامت تک حسینی زینبی سے زینبی ایمان میں کامل سے کامل تر فرما. ہماری اولاد کو باقیات و صالحات بنا. یا رب ہمارے کمزور ارادوں کو قوی فرما, جسموں میں طاقت صحت عنایت فرما, اخلاق کو صلواتی بنا دے. یا رب ہمارے مرحومین کی مغفرت, ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما. بانیان مجلس کی توفیقات عظیم ہیں, عظیم تر بنا. یا رب یہ جو ہاتھ بلند ہے انہیں خالی نہ لوٹا. جناب زینب کی چادر کا واسطہ دن بدن حیا اور عفت کنیزان زینب میں اضافہ فرما. ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. تقبل منا انک انت السميع العليم.